अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुख्तार अहमद, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स MGT 501 के साथ, और ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। एंड आई बिलीव नाउ यू मस्ट हैव स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबल, क्योंकि आप कुछ चीजें जो आपके पास HRM की बुक्स हैं वहां से पिक करके मैं आपके साथ हर लेक्चर में डिस्कस करना शुरू किया मैंने। और आज हम लेक्चर नंबर 10 के साथ आपके साथ चंद टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन एज यूजुअल उससे पहले हम थोड़ा सा पिछले को जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसको साथ कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे और उससे फिर आगे चलेंगे। लेक्चर नंबर 9 दैट वॉज बेसिकली ऑन फंक्शन ऑफ HR डिपार्टमेंट जो होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के फंक्शन क्या है, किन किन एरियाज में उनका जो है पार्ट प्ले करते हैं वो। और उसके लिए हमने 5 बेसिक फंक्शंस को डिस्कस किया था। वो क्या थे, एक मॉडल की शक्ल में ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन की बात की थी। एंड वी स्टार्टेड विद स्टाफिंग, then it was human resource development, then it was compensation, safety and health, and employer or labor relationship की बात की। और फिर इसी हवाले से we try to understand कि within this broader area what different activities the HR department is performing, and as I said earlier these things are continually changing. Remember that when we were talking about personnel management and shifting from personnel to HRM, how this जो दो तीन काम करते शुरू में like पिकनिक का बंदोबस्त कर लिया, हेल्थ के बारे में कंसर्न शो कर लिया, छुट्टियों का रिकॉर्ड रख लिया, नाउ दे हैव शिफ्टेड टू वेरी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट अदर aspects ऑफ वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन 5 एरियाज को हमने डिटेल में कल डिस्कस करने की कोशिश की थी, और मैंने ये भी आपको बताया था कि नाउ दीज आर मोर स्पेसिफिक नाउ एरिया वेयर वी आर एंटरिंग, एंड यू मस्ट बी लिटिल बिट कंसर्न कि सो मेनी थिंग्स टुगेदर, बट डोंट वरी, वी विल बी टचिंग ईच पॉइंट और ईच टॉपिक इन अ सेपरेट लेक्चर इन डिटेल। एंड यू माइट हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट इवन इन योर टेक्स्ट बुक और द बुक यू आर फॉलोइंग फॉर दिस सब्जेक्ट you have the separate chapters for each such topic. तो फिर इसमें घबराने की जरूरत नहीं, हम आस्ता आस्ता उसी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको लेके भी चलना है। वो जो शुरू से हर बात हर लेक्चर में मैं आपसे कहता हूं कि यू विल नॉट मेक अ डिफरेंस अनलेस यू पुट लॉट ऑफ योर एफर्ट्स देयर, वो क्या है कि आपको आज फिर रिमाइंड करा रहा हूं कि जो पहले पढ़ें आने से पहले या देखने से पहले या इस लेक्चर को समझने से पहले सुनने से पहले उस टॉपिक को पढ़ लें किताब के अंदर, और फिर जब ये लेक्चर सुन लें, इसके नोट्स पढ़ लें, इसकी स्लाइड्स देख लें, तो फिर दोबारा जाके देखिए उस चैप्टर को, दोबारा जब पढ़ेंगे या उस टॉपिक को दोबारा जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस, और फिर आपको वो कभी भी दोबारा इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। जब दोबारा उसको देखेंगे तो एवरीथिंग विल बी रिकॉल्ड, दैट इज नेसेसरी दैट यू शुड पुट ऑल ऑफ लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस प्रोसेस सो दैट इट शुड बिकम इजी, नॉट ओनली इजी बट यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर इन योर लाइफ। तो लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव कवर्ड इन लेक्चर नंबर 9। तो इसके अलावा हमने क्या देखा था, यस वी ऑल्सो डिस्कस के जरूरी नहीं है कि ये सारे फंक्शन सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसी तरह होते हो, एंड वी पिक वन रेफरेंस पॉइंट कि जी देखते हैं कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर डिफरेंट साइज की ऑर्गेनाइजेशन हैं तो वहां फिर क्या फर्क होगा। एंड इफ यू रिमेंबर वी कवर 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली बिजनेस जिसको कहते हैं, छोटा सा कम लोगों के साथ आपने कोई बिजनेस शुरू किया, वहां पे HR के फंक्शन टोटली डिफरेंट हो जाते हैं।
रोल डिफरेंट हो जाता है. सिमिलरली ए मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी हमने, एंड देन वी कवर द लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन. और लार्ज साइज में भी हमने फिर ये डिस्कस किया कि एक तो ट्रेडिशनल तरीका है, बट ड्यू टू चेंजेस एंड न्यू अरेंजमेंट्स नाउ पीपल आर फोकसिंग मोर टूवर्ड आउटसोर्सिंग. वो जो बेसिक कुछ फंक्शन थे जो एचआर डिपार्टमेंट खुद करता था, अब वो आउटसोर्सिंग भी कर रहे हैं. वो क्या थे? लाइक ट्रेनिंग, यस, और इस तरह की एक्टिविटीज. लेकिन उसके साथ हमने ये भी देखा कि रोल भी चेंज हो गया. वो क्या रोल चेंज हुआ? कि जो पहले एचआर डिपार्टमेंट जो कंट्रोलिंग फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन या स्क्रीनिंग का काम करता था, अब आस्ता आस्ता दे हैव बीन शिफ्ट, दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड चेंज एजेंट. दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ चेंज एजेंट या साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल प्ले कर रहे हैं. तो इस सारी चीज को हमने वी हैव ट्राइड टू कवर ड्यूरिंग अवर लास्ट लेक्चर. सिमिलरली एज आई सेड कि हमने मुख्तलिफ साइज की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी देखा कि स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल होता है, मीडियम साइज में क्या होता है और लार्ज साइज में क्या होता है. आई होप वी आर डूइंग फाइन गाइस, लेट्स सी. हाँ, एक चीज तो मिस कर गए. यस, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में हमने एक और चीज भी डिस्कस की थी. वो था कि क्या फैक्टर हैं, क्या फोर्सेस हैं जो एचआर फंक्शंस को इफेक्ट करती हैं. तो कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं? उसको एनवायरनमेंट कहते हैं. और कितनी किस्मों की एनवायरनमेंट होती है? इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. यस, यू आर राइट. लेकिन इसका एक और नाम भी दिया गया है. चंद जगहों पे आप देखोगे कि उसको कुछ और भी कहा जाता है. उसको माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट भी कहा जाता है. और इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? वो चीज, वो फोर्स जो सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके लोगों को इफेक्ट करे, उसको हम इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल एनवायरनमेंट या माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं. लेकिन वो जो चीज, वो जो फोर्स हो, वो जो एक्टिविटी है जो ना सिर्फ आपको इफेक्ट कर रही है बल्कि और भी काफी लोगों को इफेक्ट कर रही है, इवन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, तो अदर कंट्रीज, अदर ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम फिर मैक्रो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं. तो इसके अंदर भी हमने इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजी एंड इवन इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमने तो मैनेजर का एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, द प्रायोरिटीज क्या हैं, दे ऑल इफेक्ट योर डिफरेंट फंक्शंस, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एचआर फंक्शंस. सो आई बिलीव नाउ इट शुड बी क्लियर टू यू. तो आज हमने क्या चीज डिस्कस करनी? इफ यू रिकॉल अगेन ड्यूरिंग लेक्चर नंबर 9, समवेयर वी हैव डिस्कस द लाइन मैनेजमेंट इफेक्ट. तो मैंने आपसे कहा था कि आई ट्राई टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट इज लाइन मैनेजमेंट, वॉट इज स्टाफ अथॉरिटी एंड वॉट इज लाइन अथॉरिटी, और इसका क्या रिलेशनशिप है, और एचआर डिपार्टमेंट कौन सा फंक्शन पार्ट प्ले करता है, क्या वो लाइन मैनेजर है या उनको हम स्टाफ मैनेजर कहेंगे या फंक्शनल मैनेजर कहेंगे. उस चीज को समझने के लिए लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे. तो हमने लाइन और स्टाफ एस्पेक्ट रिलेटेड टू एचआर हम आज डिस्कस करना है. When we started discussing the role of HR department in different organizations of different size, वहां पर आपने देखा था कि one way or other way, all managers, they have to play, in a sense, HR functions too. Even if they are, it is in a small organization, or it is in a medium-sized organization, or it is in a large-sized organization. So one way or other, each manager is involved in HR function, HR activities. तो ये चीज को जरा बेसिक ध्यान में रखिए और फिर आगे चलते हैं. तो देखा गया, तो समझा ये जाता है
यदि इससे भी बात समझ आती है कि जितने भी मैनेजर ड्यूटीज हैं एचआर की, ये रिलेट करती हैं किससे, लाइन मैनेजर ड्यूटीज के साथ। लेकिन ये चीज समझने के लिए सबसे पहले हमें तो मालूम हो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन मैनेजर और लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी। अब लाइन से आप एक स्ट्रेट लाइन की बात शायद आपके जहन में आती हो, बट लाइन हेयर मीन, अगर जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी जगह पढ़ेंगे तो आप वहां पे ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन देखेंगे कि किस तरह का है। वो छोटे छोटे ब्लॉक बने होते हैं कि प्रेसिडेंट है, आई थिंक यू हैव आल्सो सीन इट ड्यूरिंग अवर लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 9 के, जब मैंने मुख्तलिफ डायग्राम में आपको बताने की कोशिश की थी कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, मीडियम साइज में कैसे होता है। तो वो उनका आपस में जो लिंक होता है एक लाइन के जरिए होता है, उस चीज से इसको लाइन अथॉरिटी या लाइन मैनेजर के तौर पे समझा जाता है। लेकिन लेट्स गो इन लिटिल बिट इन अ सिंपलेस्ट वे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइन एंड स्टाफ मैनेजमेंट और मैनेजर और अथॉरिटी क्या चीज है। और इट हैज टू डू समथिंग विद द अथॉरिटी, लाइन वर्सेस स्टाफ अथॉरिटी। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मालूम हो कि अथॉरिटी क्या चीज है। आपने कुछ लफ्ज सुने होंगे, पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, एंड व्हाट इज डिफरेंस देयर। द पावर इज बेसिकली समथिंग बाय विच यू कैन कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल। अब आप उनसे डिजायरेबल काम ले सकते हैं, एंड दैट कैन बी लीगल और इलीगल, वट एवर। लेकिन अगर लेजिटिमेट पावर है, लीगल पावर है, उसको हम अथॉरिटी का नाम देते हैं। और इन्फ्लुएंस क्या है कि किसी के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, उसकी एक्सपर्ट होने की वजह से, उसकी नॉलेज की वजह से, उसकी बुजुर्गी की वजह से, इफ समबडी इज फॉलोइंग हिज और हर डायरेक्शन, दैट इज इन्फ्लुएंस। बट हेयर विल बी मेनली कंसर्न विद अथॉरिटी पार्ट। और अथॉरिटी क्या चीज है, एज शोन इन दिस स्लाइड, अथॉरिटी इज बेसिकली making decision or directing work or giving orders, but this should be legitimate। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑफिशियल कैपेसिटी में लोग जो कि ये काम कर रहे होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है। तो बेसिक बेस ऑन अथॉरिटी वी कैन डिफ्रेंशिएट द पीपल वर्किंग आर मैनेजर आर डिपार्टमेंट एज लाइन डिपार्टमेंट आर लाइन मैनेजर्स आर स्टाफ मैनेजर। लेकिन थोड़ा सा अथॉरिटी को भी देख लें, कितनी किस्मों की होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी क्या होती है, दिस इज राइट टू मेक द डिसीजंस एंड टू गिव ऑर्डर टू सबॉर्डिनेट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द सीईओ और एडमिन में जो लोग होते हैं, दे हैव द लाइन अथॉरिटी। उन्होंने वो डिसीजन जो है, सीईओ ने डिसीजन दिया कि ये करना है, डायरेक्शन दी है, तो अदर डिपार्टमेंट हैव टू फॉलो इट, दे आर सबॉर्डिनेट, तो उनके पास लाइन अथॉरिटी आ गई। लेकिन जो स्टाफ अथॉरिटी है, देयर फंक्शन इज समथिंग डिफरेंट। यस, दे आर बेसिकली, दे हैव द राइट नॉट ओनली टू ओबे द ऑर्डर्स बट ऑल्सो टू एडवाइज द लाइन की अथॉरिटी पीपल। जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो मैनेजर हैं वहां पे, उनको एडवाइस करना, ना सिर्फ एडवाइस करना बल्कि उनको असिस्ट करना ताकि वो अपनी अथॉरिटी को प्रोसेस कर सके। सो स्टाफ का फंक्शन क्या हुआ है, काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि दे डोंट हैव द राइट टू से समथिंग, यस दे कैन आल्सो एडवाइस। जिस तरह एचआर के लोग हैं, वो एडवाइस दे सकते हैं कि हमें इस तरह के लोग चाहिए, इनको इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए आप। और फंक्शनल अथॉरिटी कौन सी होती है, ये वो अथॉरिटी होती है कि जब लेट्स सी यू डोंट हैव एन स्पेसिफिक राइट टू मेक द डिसीजन, लेकिन फिर भी आपको अपने फंक्शन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू डिसाइड सर्टेन थिंग, देयर द फंक्शनल अथॉरिटी विल स्टार्ट टेकिंग प्ले बेसिकली। तो थोड़ा सा आप, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड। अगर ये चीज समझ नहीं आए और तो कोई भी मैनेजमेंट की बुक ले लें। मैंने कोशिश की है कि एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन भी हर एक टर्म की और एक्सप्लेनेशन दिए, ताकि ये चीज आपके जहन से क्लियर हो जाए। बट एनीवे, आई होप एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर इवन इट विल बी मच बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन
लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी, और एचआर का क्या रोल है, क्या वो लाइन में आते हैं कि लाइन अथॉरिटी में वो पार्ट प्ले करते हैं, या वो फंक्शनल एरिया में आते हैं, या वो स्टाफ एरिया के अंदर आते हैं। हु इज लाइन मैनेजर? मैनेजर की डेफिनेशन तो आपने पहले चंद लेक्चर के अंदर भी काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। एनी पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु विल डू प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग लीडिंग फंक्शन, उसको हम मैनेजर कहते हैं ना। लेकिन यहां हम बात करें लाइन मैनेजर की, तो हु इज लाइन मैनेजर? ए मैनेजर हु इज ऑथराइज बाई द ऑर्गेनाइजेशन यस टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। वाई ही आर शी इज डायरेक्टिंग? बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकॉम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। बेसिकली वही बात है जो हमने एक बेसिक, जब मैनेजमेंट को समझने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए और मैनेजर को समझने के लिए हमने डिटेल में डिस्कस किया था। वहां भी क्या होता था कि मैनेजर इज ए पर्सन हु प्लान, हु ऑर्गेनाइज, हु लीड एंड हु कंट्रोल डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल। और यहां पे क्या हो रहा है, अगेन द सेम थिंग, बट हियर वी आर डिस्कसिंग विद रेफरेंस टू अथॉरिटी, कि वो मैनेजर है जो अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट कर रहा है ताकि वो जो प्री डिटरमिन गोल है उसके वो अचीव कर सके। लेकिन आप कहेंगे जी, तो हर लेट्स सी एचआर मैनेजर भी तो वही करता है, कोई और मैनेजर है, इवन इफ दे आर नॉट इन द लाइन पोजिशन स्टिल दे आर परफॉर्मिंग द सेम थिंग, यस, बट हियर दे आर एक्टिंग एज फैसिलिटेटर फॉर द मेन पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लाइन मैनेजर ने क्या करना है, accomplishing goals. They are authorized to direct the work of subordinates. And they are always someone boss. किसी ना किसी के वो बॉस ही होते हैं, इसीलिए सबॉर्डिनेट होते हैं ना उनके, जो उनकी बात को लेके आगे चलते हैं। और फिर उस हवाले से, if they are technical people, if they are human resource people, if they are financial people, they always assist them. The line manager not only assists them but advises them also, so that वो जो उनका objective हो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अचीव हो सके। तो फिर स्टाफ मैनेजर कौन हुआ? ए मैनेजर हु assists and advises line manager. अब इससे आसान तो मैं नहीं कर सकता आपके लिए, आई होप कि यू आर पिकिंग अप नाउ। लाइन मैनेजर जो है वो एचआर के फंक्शन भी पार्ट प्ले करता है वन वे या अदर वे। वो कैसे करता है उसको थोड़ा समझते हैं। प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये किसने डिसाइड करना है कि मैनेजर फाइनेंस किसको लगाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में किसको रखना है? Let's see if a person has 10 or 15 different setups. तो ये उसी की उसमें आता है, उसकी अथॉरिटी में आता है, उसकी पावर में आता है कि he should decide or she should decide कि ये बंदा कहां पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। Of course he or she might get help from other department, personnel department or HR department, कि उनको गाइड करे कि यार इसको अगर मैं वहां भेज दूं, मशवरा ले सकता है, एडवाइस ले सकता है, but the decision will be from his side. हर साइड। और ये पहला फंक्शन है, टेक्निकली देखा जाए तो एचआर का फंक्शन है ना। तो कौन परफॉर्म कर रहा है? टॉप मैनेजर, मैनेजमेंट, द सीईओ और द लाइन मैनेजर, ही या शी इज डिसाइडिंग इसको कहां भेजना है। इनिशियली इट इज द वर्क ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। इट डजंट मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू कि भाई ये उसका काम तो उसने कर लिया, नहीं। काम तो प्रीव्यू उसमें आता है ना कि जिसका, जो इसका मालिक है, जो इसका चीफ एग्जीक्यूटिव है, ही हैज अ राइट टू सी द बिग पिक्चर और उसके मुताबिक सारी चीजें एडजस्ट करें। तो पहला फंक्शन जो एचआर का से रिलेटेड है, जो लाइन मैनेजर परफॉर्म करता है, दैट इज प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब।
एंड दिस इज ऑल्सो अवर बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर. एचआर बेसिकली इज व्हाट इट इज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो बेसिक उस मैनेजमेंट में सबसे पहला पार्ट यही होता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. दे ऑल्सो स्टार्ट न्यू एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन. हाउ दे स्टार्ट, दे डिसाइड फॉर द ओरिएंटेशन. ये भी आगे चीजें हम डिस्कस करेंगे कि ओरिएंटेशन क्या होती है. कि जब आप इसको एक चंद बुक के अंदर आप देखेंगे, इसको सोशलाइजेशन प्रोसेस का नाम भी दे जाता है. दिस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन इज बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एक्लेमेटाइज ए न्यू पर्सन हु हैज रिसेंटली ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन, कि वो इसके अंदर अपने आप को कंफर्टेबल फील कर इसको समझ ले. ये भी स्टाफ मैनेजर जो है, सॉरी जो लाइन मैनेजर है, वो ये परफॉर्म करता है. तो ये एचआर का फंक्शन है जो लाइन मैनेजर भी उमूमन परफॉर्म कर रहे होते हैं. सिमिलरली ट्रेनिंग, अब डिसीजन, सी हु इज एडवाइजिंग दिस, द एचआर डिपार्टमेंट इज एडवाइजिंग कि यस वी हैव सीन, वी हैव एवेलुएटेड द सिस्टम ड्यू टू, जिसका हम लास्ट लेक्चर नंबर 9 में परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिस्कस किया था, कि उसी के बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. हु इज मेकिंग द डिसीजन हियर, द टॉप मैनेजमेंट. ऑफकोर्स द एचआर डिपार्टमेंट इज गाइडिंग देम, एडवाइजिंग देम कि यस वी नीड ट्रेनिंग फॉर सच एंड सच पीपल बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू मार्क, आर वी नीड ट्रेनिंग फॉर सच एंड सच पर्सन बिकॉज इन द नेक्स्ट फेज विल बी ब्रिंगिंग न्यू इक्विपमेंट, न्यू मशीनरी, सो विल बी नीडिंग मोर एक्सपर्ट पीपल आर एडवांस, उसके अंदर कोई नई चीजें उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए. लेकिन डिसीजन कौन कर रहा है? डिसीजन आपका टॉप मैनेजमेंट कर रही है या लाइन मैनेजर जो है वो कर रहा है. सिमिलरली बिकॉज ही हैज और शी हैज टू परफॉर्म इन अ वे दैट दे शुड ऑल टूगेदर अचीव द ऑब्जेक्टिव. अगर किसी वजह से वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा तो इंप्रूवमेंट जो होगी परफॉर्मेंस में लोगों की, उसका भी डिसीजन कौन करेगा? कोई लाइन मैनेजर करेगा, बट विद द हेल्प ऑफ अदर स्टाफ मैनेजर्स और जो उसकी सर्विसेज दे रहे हैं उनके, उनसे डिस्कस करने के बाद ही ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी. अनदर फंक्शन, क्रिएटिविटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ टूडेज ऑर्गेनाइजेशन. अनलेस यू आर क्रिएटिव यू कैन नॉट गो फॉर द डेवलपमेंट. अब क्रिएटिविटी आजकल इज अगेन बिकमिंग ए बज वर्ड. All organizations, they are striving or they are striving very hard so that they should come up with something new, new idea, some creative product, some creative idea of doing business. So, jitna zyada aapka concern aap show karenge, aur again, organizations ke andar dekha gaya hai ki unless you have top commitment for certain things, you cannot bring a change, you cannot create something different. So, creativity ko bhi initiate karana, इसको फैसिलिटेट करना, या इसको, बिकॉज अनलेस टॉप मैनेजमेंट इज कन्विंस्ड, आप कुछ चीजें क्रिएट नहीं कर सकते. तो उसके लिए लेट्स सी इफ यू वांट टू हैव मोर आरएनडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो दैट यू शुड कम अप विद अ न्यू आइडिया. सो उसके लिए भी वो जो टॉप मैनेजर है या लाइन मैनेजर है, उसकी इन्वॉल्वमेंट या उसका डिसीजन जरूरी है. तो यहां भी टेक्निकली देखा जाए, है तो एचआर का फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, बट स्टिल the line manager is the person who is making the decision. Should we spend on extra resources for this purpose or not? Should we encourage it or not? Or should we do just the routine work? So, creativity ko ubharne ke liye, creativity ko lane ke liye, line manager is also playing his role. Working relationship within the organization. Who is responsible for that? Yes, of course, HR department, other departments, they have to act. But still, the decision is of the line manager. So, किसी भी एच, तो हम बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि it is all are playing different kind of roles. और कभी कभी वो पिक्चर इतनी ओवरलैप हो जाती है कि हमें समझ नहीं आती कि ये किसका काम था, किसने किया. लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाए तो फिर ये चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती है. ये ध्यान में रखिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोगों का रोल होता है डिसीजन मेकिंग, कुछ का रोल होता है एडवाइस का और फैसिलिटेशन का, और कुछ का है कि वो फंक्शन लेवल पे जाके परफॉर्म कर रहे होते हैं.
तो अथॉरिटी बाय वर्चू ऑफ दोज लीगल जो एस्पेक्ट है वो लाइन मैनेजर के पास ही होती है कि दे हैव टू मेक डिसीजन यस और नो. ऑफ कोर्स दे विल बी सजेस्टिंग, दे विल बी प्रपोजिंग, लेकिन डिसीजन लाइन मैनेजर का ही है, सीईओ का है या जो उसका अथॉरिटी पर्सन होगा. सिमिलरली डिसाइडिंग अबाउट द पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड इंप्लीमेंटिंग देम इज डिसीजन ऑफ द लाइन मैनेजर. यू कैन अगेन से इंप्लीमेंटेशन तो कोई और लोग कर रहे होते हैं, यस बाई बट बाई वर्च्यू ऑफ दैट ऑर्डर वो डिसीजन या अथॉरिटी जो उनको कन्वे होती है सबॉर्डिनेट्स को, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन उसकी सर्विसेज फिर बाकी लोग कर रहे होते हैं. तो ये भी जो एचआर से रिलेटेड, क्योंकि जो पॉलिसीज किसने करनी है, किसके बारे में पॉलिसीज है, वो लोग ही जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हीं के हवाले से है ना. तो फिर यहां भी है तो एचआर का फंक्शन, ह्यूमन रिलेटेड फंक्शन, बट हु इज परफॉर्मिंग द लाइन मैनेजर. ऑफ कोर्स ही इज आल्सो और शी इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, बट ही हैज अथॉरिटी टू डू दैट. Similarly, when we're talking about production things, controlling the labor cost is very important. आजकल के दौर में अगर आप बिजनेस की बात करते हैं तो हर एक बिजनेस की एक जो अल्टीमेट रीजन क्या होता है, द मिशन स्टेटमेंट माइट बी डिफरेंट, कि लोग कह रहे हैं कि हमने ये करना है, लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईच ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर. नाउ व्हाट इज मार्केट शेयर, कि उनका ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो. लेट्स सी इफ यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट लें. अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी सर्विस को यूज करें. ये हर ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मेन मोटो या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, या दूसरे लफ्जों में फाइनेंशियल टर्म में कि प्रॉफिट अपना किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं. और इस चीज को देखने के लिए इस वक्त हम जब बिजनेस के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो उनको बताते हैं कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. वन इज कंट्रोलिंग द कास्ट, अनदर थिंग इज क्रिएटिंग द डिफरेंशिएशन. ऑफ कोर्स नाउ वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड समथिंग डिफरेंट, इसका डायरेक्ट इससे इफेक्ट नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको इस चीज का इफेक्ट समझाने के लिए कि कास्ट अगर आप कंट्रोल करेंगे तो उसका क्या फायदा है. अगर आप कास्ट कम करेंगे, क्योंकि इस वक्त कंपटीशन इज वेरी हाई, जिस तरह जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने हमने सुना पढ़ा, टेक्नोलॉजी नई आ गई है, हर मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. नाउ हाउ टू सर्वाइव, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव द मोनोपोली देयर. पहले ये होता था कि एक लेट सी के एक कंपनी है वो एक चीज प्रोड्यूस कर रही है, नो बॉडी इज देयर टू कम्पीट देम, तो देवर काइंड ऑफ फ्री टू चार्ज एनीथिंग. लेकिन अब जो कंपटीशन का दौर है, कंपटीटिव वर्ल्ड आ गया है, तो आजकल तो ऐसा नहीं है. अगर एक मार्केट में कोई आप चीज लेके आते हैं जिसकी कीमत 10 रुपए है, तो साथ ही दूसरा मार्केट में आके आपको 9 रुपए की वो चीज दे रहा है, वो कहता है कि चले मैं थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम कर लेता हूं, लेकिन प्रोवाइडेड क्वालिटी इज द सेम. जस्ट इमेजिन इफ लेट्स सी द बोथ पर्सन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का, उसका कास्ट उन सबको 8 रुपए आ रही है. वो जो 9 रुपए में सेल कर रहा है उसने 1 रुपए प्रॉफिट पे काम शुरू कर दिया, लेकिन दूसरा 2 रुपए प्रॉफिट पे काम कर रहा था, तो उनके पास ज्यादा मार्जिन प्ले करने का प्राइस में ज्यादा नहीं है. 8 और 10 के दरमियान 2 रुपए का उनके पास मार्जिन है, तो कोई 9.5 का, कोई 9 का, कोई इवन 10 का. लेकिन जस्ट इमेजिन इफ ए पर्सन, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ ए डिपार्टमेंट वॉज एबल टू कट द कास्ट ड्यू टू एनी रीजन, हैविंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी, उन्होंने जो इन्वेंट्री लॉसेज होते हैं उनको कंट्रोल कर लिया, उनको जो रॉ मटेरियल था वो कहीं से सस्ता मिल गया, या उनकी ट्रांसपोर्टेशन काम कास्ट कम होगी, तो क्या हुआ कि दे वर एबल टू क्रिएट द प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट फॉर द 6 रुपीज. अब उनको मार्जिन मिल गया 6 to 10 के दरमियान 4 रुपए का. आई डोंट थिंक दैट ऑर्गेनाइजेशन और दैट ग्रुप हैज मोर एज इन द मार्केट एंड दे विल बिकम द मार्केट लीडर. तो इस चीज को भी यहां भी एचआर के रिलेटेड, और आपने सुना भी होगा कि जी चाइना की जो माल है बहुत मार्केट में कंपटीशन में बड़े सबसे आगे है, उससे कंपीट करना मुश्किल हो रहा है सबके लिए, और साथ ये कहा जाता है क्योंकि वहां पे लेबर चीप है.
लोग हमारे साथ, हम देखा आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड दिस एरिया, दे आर इवन गोइंग टू चाइना, दे आर गोइंग टू इंडिया, दे आर इवन थिंकिंग ऑफ कमिंग पाकिस्तान. बट वाई दे आर मूविंग फ्रॉम दोज बिग कंट्रीज, उनका कि अपनी अपनी सब इवन प्रोडक्शन सारी यहां लेके आ रहे हैं, तो यहां पर लेबर कास्ट कम है. हमारे पाकिस्तान में थोड़ी सी हाई है एज कंपेयर टू चाइना और इंडिया. दैट इज वाई वी आर अवर बिजनेसमैन दे आर फीलिंग डिफिकल्टीज इन ऑर्गेनाइजेशन कंपीटिंग इन दोज कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो अगर लेबर कास्ट को आप कंट्रोल कर लें तो आपके पास एज आ जाती है. तो दिस वॉज आउट ऑफ काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि लेबर कास्ट कंट्रोल करने का क्या जरूरी है और क्यों टॉप एग्जीक्यूटिव अलाइन मैनेजर इन्वॉल्व देयर. यस अगेन एचआर डिपार्टमेंट विल बी फैसिलिटेटिंग देम, असिस्टिंग देम टू हाउ टू गो फॉर द लेबर कास्ट कंट्रोल, लेकिन डिसीजन इज अगेन बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ लाइन मैनेजर. Developing the abilities of each person in the organization. Who will do that? Different training departments, HR departments, or technical departments. But who will give the order? Who will decide for it is the line manager. Agreed? Similarly, maintaining the morale within the organization. Now here again, different staff managers, different services departments, and they are different functional departments, they will be playing their role, but under whose direction? The line manager. So here this function is also being decided by line manager. Similarly, protecting employees' health and physical condition. ये भी आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, अपने सेटअप भी हो सकता है, बट अगेन डिसीजन टॉप मैनेजमेंट या लाइन मैनेजर करेगा जिसके पास अथॉरिटी है कि हाउ फार यू कैन गो, क्या क्या अरेंज करना है. गाइडलाइन ले सकता है आपके हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से, एम्प्लॉइज की जो वेलफेयर डिपार्टमेंट होते हैं उनसे ले सकता है. Of course, HR department is involved there, but decision is of the line manager. So that is also the function of HR, which is being performed by line manager by his or her decisions or orders. आगे देखते हैं क्या है. इसी तरह staff managers जो होते हैं वो भी HR कुछ jobs को कुछ फंक्शंस का पार्ट प्ले कर रहे होते हैं. एंड पे आप जाके देखेंगे एक नई पिक्चर निकलेगी कि एचआर डिपार्टमेंट के लोग सारे फंक्शन खुद भी कर रहे होते हैं सेम टाइम. एचआर मैनेजर्स कैरीज आउट थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. वन इज दे परफॉर्म द लाइन फंक्शन टू, यस विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन विद इन देयर डिपार्टमेंट दे ऑल्सो परफॉर्म लाइन फंक्शन बेसिकल. कैसे? उनको जो डायरेक्टिव टॉप एग्जीक्यूटिव ने दिया तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन नाउ द एचआर मैनेजर या एचआर डायरेक्टर जो होगा वो ही और शी विल अडॉप्ट द रोल ऑफ एज ए लाइन मैनेजर. वो अथॉरिटी भी यूज कर सकता है या उसका इन्फ्लुएंस की वजह से वो अथॉरिटी बन जाती है. ही माइट नॉट बी ऑथराइज टू मेक सर्टन डिसीजन but because he is now more close to chief executive a line manager and he convinces him or her ki ji humne ye karna hai to naturally uski baat authority ban gayi to ye bhi ek uska line function ke andar aa gaya. Isi tarah coordination function bhi kar rahe hote hain of different departments, ye bhi hr ke jo staff hai ya hr ka log hai wo coordination ka kaam bhi kar rahe hote hain. Kaise? Because they are involved in the function control, training, development, even वो जो आप बाकी जो human related activities को आप functional level पे control कर रहे हैं ये भी HR department कर रहा होता है. Similarly, services तो वो दे ही दिए
बिकॉज वी आर प्लेइंग द स्टाफ फंक्शन देयर. सो ये तीनों फंक्शन एचआर डिपार्टमेंट भी और एचआर मैनेजर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है. सो आर वी क्लियर और कंफ्यूज? सोचिए थोड़ा सा. लेकिन अगर आपने पढ़ा होता तो मेरा ख्याल ज्यादा क्लियर हो जाता. लेट्स ट्राई वंस अगेन. लेकिन थोड़ी सी चीजें क्लियर करके कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर से रिलेटेड आती हैं. हम कहते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव्स है, एचआर स्पेशलिस्ट है और जर्नलिस्ट उसको भी कहते हैं. उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कहां पे फिट इन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, थोड़ा सा इनको समझ लें. फिर आई ट्राई अगेन तो थोड़ा सा इसको कवर करके सबको और आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ चीज को समझाने की कोशिश करूं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआर एग्जीक्यूटिव क्या हो सकते हैं? दे परफॉर्म वन और मोर एचआर फंक्शंस, लेकिन इसके नाम के साथ एग्जीक्यूटिव लगा हुआ है ना. इट इज अ टॉप लेवल मैनेजर पोजीशन. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू होम द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो एचआर की जितनी एक्टिविटीज होती है इन सबको वो हेड कर रहा होता है और टॉप मेनली रिस्पॉन्सिबल अब रिस्पॉन्डिंग आर आंसरेबल टू चीफ एग्जीक्यूटिव ओनली. इसको हम एचआर एग्जीक्यूटिव कहते हैं. और जो एचआर जर्नलिस्ट होता है उसका क्या रोल है? ऑफ कोर्स ही और शी माइट बी एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन समवेयर बिलो दिस एचआर एग्जीक्यूटिव. और ये वेरियस जो एचआर रिलेटेड टास्क होते हैं एरियाज हैं उसके अंदर काम कर रहा होता है. या एंड इट इज इन्वॉल्व इन सेवरल आर ऑल दोज फाइव एचआर फंक्शन. जो लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने पांच एरियाज जो मेन एरियाज जो फंक्शनल एरिया हमने डिस्क्राइब किए थे डिस्कस किए थे उनमें इधर वन में और सब के अंदर भी इन्वॉल्व हो सकता है डिपेंडिंग ऑन अगेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट अबाउट द स्पेशलिस्ट? आपने मुख्तलिफ ये टर्म यूज सुनेगी कि वो फला चीज के स्पेशलिस्ट हैं. ही इज द डॉक्टर एमबीबीएस की बात करते हैं वो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं. तो इसका ये मतलब नहीं वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो स्पेशलाइज लेवल तक चले गए. वो ज्यादा डिटेल में उन्होंने उसको स्टडी किया है नहीं है आर शी हैज उनकी जो जो वर्किंग है या उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो डिटेल में उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर है. इसी तरह एचआर के अंदर वी माइट हैव सर्टन स्पेशलिस्ट. कोई कंपनसेशन का हो सकता है, कोई ट्रेनिंग में ज्यादा उसकी एक्सपर्टीज हो सकती है. तो क्या करेक्टरिस्टिक्स हुए इसके? फिर मे बी एन एचआर एग्जीक्यूटिव मैनेजर और नॉन मैनेजर पोजिशन पर्सन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. टिपिकली कंसर्न विद ओनली वन ऑफ द फाइव फंक्शन एरिया. जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, एम्प्लाइज कंपनसेशन स्पेशलिस्ट, स्टाफिंग जो आपकी जो हायरिंग वगैरह होती है उसके लिए उसका स्पेशलिस्ट है. तो उसको इंटरव्यू लेना, आप सारे प्रोसेस को समझना ज्यादा डिटेल में आता है, इसलिए उसको स्पेशलिस्ट स्पेशलाइज रोल प्ले करने के लिए दे दिया गया. उसको हम एचआर स्पेशलिस्ट कहते हैं. सो अगेन यू हैव सीन द सेम पिक्चर ड्यूरिंग आवर लेक्चर नंबर 9. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को देखें कि एचआर जो डिपार्टमेंट है वो आपकी जो ऑपरेटिंग मैनेजर है उसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, दे आर प्लेइंग स्पेसिफिक सर्विसेज. तो यहां पे उनका रोल सर्विस डिपार्टमेंट का आ गया. दे आर एडवाइजिंग. व्हेन दे आर एडवाइजिंग तो आपने याद होगा शुरू में हमने क्या कहा था कि स्टाफ एक लाइन और एक स्टाफ है. स्टाफ मैनेजर क्या होता है? जो एडवाइज कर रहा है, जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है. तो तीसरा जो इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेशन का. तो टेक्निकली क्या हुआ, एचआर डिपार्टमेंट is playing all three different roles. HR department exists to assist what? The organization, the manager and the employees.
तो इसका रोल तो ज्यादा ब्रॉडर हो गया ना। नाउ सी एचआर डिपार्टमेंट इज देयर टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन विच वे सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं मैनेज ह्यूमन रिलेटेड या जो ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं उसको फैसिलिटी उसकी ऑर्गेनाइज उसकी डायरेक्शन के लिए उसकी कंट्रोलिंग के लिए उसकी प्लानिंग के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहा है। ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहा है बल्कि वो जो उसका सीईओ है या मैनेजर है उसको भी तो हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? बाय गिविंग एडवाइस, बाय ओबेइंग हिज डायरेक्टिव और इंप्लीमेंटिंग हिज डायरेक्टिव्स और वो जो एम्प्लाइज काम कर रहे हैं अंदर उसके लिए भी तो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो कैसे? उनके बेनिफिट्स, उनके राइट्स, उनकी कंपनसेशन, उनकी ट्रेनिंग एंड सो ऑन। सो टेक्निकली एचआर डिपार्टमेंट इज देयर अगेन टू असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टू असिस्ट मैनेजर्स and to also help or assist the employees. दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि HR is the service department. तो लेकिन जो हमने शुरू किया था कि line और versus staff में, तो फिर इसका role specifically क्या हुआ? यहां तक पहुंचते हुए तो हमारे ध्यान में ये आ गया कि they are specifically staff authority, they have the staff authority. और स्टाफ अथॉरिटी अगर आपको याद हो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया इज टू एडवाइज एंड आल्सो इंप्लीमेंट द डायरेक्टिव। तो एचआर डिपार्टमेंट वो फंक्शन प्ले कर रहा है जिसमें ज्यादा सर्विसेज दे रहा है या स्टाफ का रोल एज ए स्टाफ अथॉरिटी रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगेन इसका यह मतलब नहीं है, हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि वो इसी स्टेज पे लाइन का भी फंक्शन प्ले कर देता है, किसी सिचुएशन के अंदर वो फंक्शनल पार्ट प्ले कर रहा है और ऑफ कोर्स द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम दे आर डूइंग द स्टाफ फंक्शन। सो द यूज ऑफ लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल अथॉरिटी रिजल्ट्स इन व्हाट? सो दे आर प्लेइंग ए ड्यूअल टाइप ऑफ रोल। वो ड्यूअल रोल जो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एचआर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। लेकिन अगेन रिमेंबर दैट आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये बार बार टर्म्स कहीं ना कहीं आएंगी आपकी, आगे डिस्कस करेंगे। लाइन मैनेजर क्या है, यदि ये लाइन मैनेजमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं, ये स्टाफ का रोल प्ले कर रहे हैं, सर्विसेज का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वी थॉट दैट लेट्स डिस्कस दोज फ्यू थिंग्स, ऑफकोर्स इन नॉट इन दैट डिटेल बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये चीजें क्या है। तो क्या ख्याल है, कुछ चीज समझ आई नहीं आई? तो फिर समराइज कर लेते हैं दोबारा इसको, क्या है इसके अंदर। टुडे वी स्टार्टेड विद लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट ऑफ एचआरएम। अब लाइन उसको समझने के लिए हमने देखा कि पहले सबसे पहले इसका ताल्लुक किस चीज से, इसका ताल्लुक अथॉरिटी से है कि लेजिटमेट पावर किसके पास क्या काम करने की क्या है, कितनी और कहां तक जा सकते हैं। तो उसको डिफ्रेंशिएट हमने कैसे किया कि लाइन वर्सेस स्टाफ अथॉरिटी। तो लाइन अथॉरिटी वो हुई कि जिसने उनके पास लेजिटमेट पावर है तो मेक द डिसीजन, डायरेक्टिव और सबॉर्डिनेट को डायरेक्टिव देना और उससे काम लेना। और इसी तरह स्टाफ टू असिस्ट टू इंप्लीमेंट इट। आई होप यू आर क्लियर नाउ। और एचआर डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली इज ए स्टाफ फंक्शनिंग को लेकर कर रहा होता है। दे आर द सर्विसेज डिपार्टमेंट, दे आर द स्टाफ अथॉरिटी, बट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दे आर आल्सो प्लेइंग द लाइन फंक्शन, द स्टाफ फंक्शन एंड फंक्शनल वो जो उसका रोल है वो भी प्ले कर रहे होते हैं। नाउ यू शुड बी क्लियर व्हाट इज लाइन एंड स्टाफ एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, और इट हैज डू समथिंग विद द अथॉरिटी। और एचआर डिपार्टमेंट
बाय वर्चू ऑफ द लीगल अथॉरिटी जिसको कहते हैं उसके तहत तो दे आर प्लेइंग द सर्विसेज रोल, स्टाफ रोल, लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं और एक्ट भी करते हैं लाइन फंक्शन पार्ट भी, लाइन अथॉरिटी को भी. सो चेयर अप नाउ, व्हाई दिस कैट फेस. आगे देखते हैं, बड़ी अच्छी चीज आपके लिए. यू मस्ट बी हैप्पी, लेट्स स्टॉप इट हियर. लेकिन इस लेक्चर के साथ आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, उनको अच्छी तरह पढ़िए जरा. तो अगर चांस मिले तो कोई मैनेजमेंट की बेसिक बुक लेके उसको भी पढ़ लें, उसके जो बेसिक चैप्टर्स डीलिंग विद द लाइन एंड स्टाफ, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. फिर भी समझना है एज यूजुअल, तो हमें पूछिए, बात कीजिए, मेल कीजिए, पश्चिम यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव वो आपको जवाब भी देंगे इसका. लेकिन जाने से पहले जरा बताइए तो सही कि ये स्लाइड आपने कहां देखी. देखें ये सारी चीजें बिल्ड हो रही हैं एक दूसरे पे, तो अनलेस वी कीप ट्रैक ऑफ दोज थिंग फिर बात नहीं बनेगी. तो जरा सोचिए कहां से आपने इसको देखा था और किस चीज को ये डिस्कस कर रही थी स्लाइड. इट वॉज इन लेक्चर नंबर 5. और लेक्चर नंबर 5 में क्या था, वहां पे हमने जब ग्रुप और टीम को डिस्कस कर रहे थे तो उस हवाले से एक स्लाइड वहां पे दिखाई थी. और दैट वॉज बेसिकली हाउ टू टर्न इंडिविजुअल इनटू टीम मेंबर. कुछ याद आया? चले फिर ये बताइए कि व्हाट इज दिस सिलेक्शन, व्हाट ट्रेनिंग हैज टू डू एंड व्हाट इज रिवार्ड हियर. तो जब हम टीम का डिस्कस कर रहे थे तो वी डिस्कस दैट टू बिल्ड ए नाइस टीम, अ गुड इफेक्टिव टीम, यू हैव टू सिलेक्ट द राइट पीपल फॉर दैट पर्टिकुलर टीम. खाली सिलेक्शन से बात नहीं बनेगी, देन यू हैव टू ट्रेन देम इन अ वे दैट दे कैन डेवलप द कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे उन्होंने काम करना है इन ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट. ये भी ठीक है. तो रिवार्ड से क्या तल्लक है? रिवार्ड से ये तल्लक है कि देन यू हैव टू अटैच देयर परफॉर्मेंस विद सम इंसेंटिव और सम रिवार्ड सो दैट देयर मोटिवेशन लेवल शुड स्टे ऑलवेज हाई. कि इफ विल डू दिस थिंग राइट विल गेट दिस बेनिफिट, विल गेट दिस रिवार्ड फ्रॉम हियर. सो दैट वॉज विद बेसिकली इन चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 5 when we are talking about team. तो अब आगे से अपने आप को तैयार रखिए, इस तरह के क्वेश्चन दरमियान में आएंगे. ये नहीं है कि सिर्फ पिछला लेक्चर, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले हम शुरू से ये कर रहे हैं कि when I come, I start new lecture, I try to go back one lecture back. And when I finish, I try to give you कि next lecture में हम क्या discuss करेंगे. लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा तो फिर ये होगा कि पिछला सारा भूल गए होंगे आप. Why not just pick randomly something from some previous lectures and ask you? आपका भी टेस्ट हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट इसे कहते हैं, और अंदाजा भी हो जाएगा कि इसका फायदा क्या होता है. आगे चलते हैं. खाली तो कोई साइड नहीं देखी थी हमने. यस, बट ये कुछ याद आता है क्या था? ब्लॉक दिखाए थे. ह्यूमन, what was that? Then there were resources. Of course, next will be management, right? ये तीन ब्लॉक तो हमने इसी एक स्लाइड में आपको दिखाया था. ये तीनों मिलके आपका जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसी के बारे में था. Yes, that was human resource management. ये किस चैप्टर में पढ़ा था हम, किस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था? No, it was initially the first lecture. पहले लेक्चर के अंदर हमने जब ह्यूमन रिसोर्स को डिफाइन किया था तो ये ब्लॉक, ये स्लाइड आपको दिखाई. चलें एचआर को डिफाइन करके बताएं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज है. दिस इज बेसिकली मैनेजिंग द पीपल, ह्यूमन मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट. दैट वाज ए just test for you.
योर सेल्फ असेसमेंट। इसके बाद तो आपको अब अंदाजा होने जाना चाहिए कि कितने पानी में आप लोग। तो ये मेमोराइजेशन से हट निकल आए थोड़ा सा, क्योंकि नाउ यू हैव सच एंड बिग बुक्स इन ईच सेमेस्टर, चार चार पांच पांच सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो अगले सेमेस्टर में तो नई किताब होगी। तो अब आपको इसको कंसीव करना है, आइडियाज को, कंसेप्ट को समझना है, सो दैट यू शुड मूव फॉरवर्ड। ये तो आपका मेरा टेस्ट था कि कैसे आपको रिटेन किया कि नहीं आपने। लेकिन आगे क्या पढ़ना है हमने, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, अब आपने देखा होगा कि आपने, क्योंकि नाउ वी आर मोर टूवर्ड योर रेफरेंस और टेक्स्ट बुक, उसमें से पिक करके हम आगे चलेंगे चीजों को। आई थिंक इन मोस्टली सेकंड और थर्ड चैप्टर इज द लीगल एस्पेक्ट, अ लीगल कंटेंट ऑफ द एचआर डिसीजन। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ लेजिस्लेशन की रेफरेंस दिए होंगे, बट रिमेंबर इट दैट योर टेक्स इज रिटन बाई अमेरिकन और ब्रिटिश के किसी ऑथर की लिखी हुई है, और इसमें जो लीगल कॉन्टेक्स्ट में वो सारा जो रेफरेंस दे रहे हैं आपको, सारे रूल रेगुलेशन बता रहे हैं, वो उन कंट्रीज का बता रहे हैं। वट विल ट्राई हेयर, इसमें आपने टर्म मुख्तलिफ आपको नजर आएंगी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ईओ के नाम से, अफर्मेटिव एक्शन, सिविल राइट्स एंड सो ऑन। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक इसकी कॉन्सेप्ट, बेसिक थीम बताऊं कि ये लीगल एस्पेक्ट क्या होते हैं, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या चीज है, अफर्मेटिव एक्शन क्या होते हैं, और इसकी क्या रिलेशनशिप है रेफरेंस टू अवर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट हर सब्जेक्ट। बट नॉट नेसेसरली दैट वी शुड मेमोराइज ऑल दोज रूल्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आप उनको पढ़िए जरूर कि उनकी कौन सा लॉ किस चीज के लिए बना है, चैप्टर फोर क्या है, चैप्टर फाइव थिंग क्या है। लेकिन हमारे लिए, आपके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए उससे इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली टू कंसीव द कॉन्सेप्ट कि इसका रोल क्या है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी रेफरेंस टू ह्यूमन रिसोर्स, हु आर द स्टेक होल्डर्स, जो डायरेक्ट जो इफेक्टिव हैं इस तरह की रूल रेगुलेशन से, और इसके अंदर एथिक्स पार्ट क्या है, एंड हाउ वी हैव टू यूज दिस फॉर आवर एचआर फंक्शन हियर। बहुत सारी फिगर्स, इवेंट्स, ईयर्स बताए जाएंगे, यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज ऑल ऑफ देम, लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये अफर्मेटिव एक्शन क्या चीज थी, क्यों ऐसे हुआ, ये डिस्क्रिमिनेशन का जो एक्ट बने थे क्यों बने हैं, ये बेसिक किसको डील कर रहे हैं, ये हरासमेंट के जो रूल रेगुलेशन के लिए बनाए गए क्यों बनाए गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई ट्राई टू कवर दीज एस्पेक्ट, लेकिन अगेन रिमेंबर दैट दिस इज दिस बेसिकली दिस योर टेक्स्ट बुक इज रिटन और इट इज अमेरिकन और ब्रिटिश बुक, तो उनके रूल रेगुलेशन का रेफरेंस के तौर पर यहां कोट किया गया है। हमने सिर्फ इसे आइडिया कंसीव करना है ताकि रियलिटी में, प्रैक्टिकल में इस तरह के इशू हमें भी फेस कर सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं, उसको कैसे किस तरह टैकल करना है हमें। इसको पढ़िए जरूर, बड़ी काम की चीज है, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। सो लेट्स स्टॉप इट हियर, वर्क हार्ड, सी यू अगेन, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।